माई सेल्फ के और मैं अपन को पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अपन यदि यूनिट फर्स्ट की बात करें, यदि अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें यूनिट फर्स्ट की, यूनिट फर्स्ट में अपन क्या क्या पढ़ने वाला है ना। देखो यूनिट फर्स्ट का जो नेम है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस यूनिट के अंदर पहले तो अपन कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशंस अब ये डेफिनेशंस किसकी होगी, जैसे कि अपन बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रोइड क्या है, ठीक है, और कैसे अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड को निकालते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। फिर अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे डिफरेंट शेप का, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया अपना, है ना, ट्राइंगल हो गया, सर्कुलर, कोई सर्कल है सर्कुलर को सेक्शन हो गया, है ना, आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, कोई टी बीम हो गया, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद दो थ्योरम पढ़ेंगे अपन, एक तो अपनी रहेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और एक रहेगी अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है, वही एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा दो टॉपिक और हैं, एक तो अपना रहेगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और एक टॉपिक रहेगा अपना यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। ये अपनी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत अपन कवर करने वाले हैं, इनके डेरिवेशंस, एक जो भी आपके डेरिवेशन सिलेबस में होगा वो, और उसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट फर्स्ट यूनिट है, जिसको अपन सीरियल से अपन इसको टॉपिक वाइज चलते रहेंगे और उसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।